दोस्तों YouTube पर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जिन पे हजारों में लाखों में सब्सक्राइबर है, बट दोस्तों उनके चैनल पर आज के टाइम पे व्यूज की बात करें तो वही 100 200 300 500 व्यूज आता है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि कुछ गलतियों की वजह से, बस छोटी सी गलतियों की वजह से आज के डेट पर वो चैनल डेड हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी भूलकर ये गलती अपने चैनल पर करते हो तो आपका चैनल आने वाले टाइम पे डेड हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा चैनल कब डेड होगा। और डेड होने के बाद आपके चैनल की वो कंडीशन होती है कि उससे अच्छा तो एक न्यू चैनल होता है पे सब्सक्राइबर नहीं होते। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि YouTube पर जो पैसा मिलता है वो भाई आपके चैनल के सब्सक्राइबर का नहीं मिलता है, आपके चैनल की जो वीडियो होती है उन पे जो व्यूज आता है उन व्यूज का YouTube आपको पैसा देता है। लेकिन दोस्तों जब आपके चैनल पर व्यूज ही नहीं आएगा, आपका चैनल ही डेड हो जाएगा, तो फिर आपको YouTube पैसा कहां से देगा? और कुछ गलतियों की वजह से आपका चैनल डेड हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि शायद आपका चैनल डेड हो या फिर आप अपने आने वाले टाइम पे उस चैनल को डेड कर सकते हो। और डेड करने के बाद वो चैनल की वो कंडीशन हो जाती है कि उससे अच्छा तो एक न्यू चैनल होता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ नॉलेजल भी होने वाली है। वीडियो शुरू करने पर दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल डेड होने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारे लोग कर चुके और आज की डेट पर उनका चैनल डेड है और वो गलती आप लोग मत करेगा, पहले वो गलती मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक चैनल दिखाता हूँ जिस चैनल पर सब्सक्राइबर आप लोग देख सकते हैं 24,000 है, बट व्यूज की बात करें तो वही 200-300 इस टाइप से व्यूज आ रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते 200-500-600-400 इस टाइप से इस चैनल पर व्यूज आ रहा है और सब्सक्राइबर भाई 24,000 है। इसी टाइप का मैं आपको एक चैनल और दिखाता हूँ। इस चैनल पर आप लोग देख सकते हैं भाई सब्सक्राइबर तो है 50,000 बट व्यूज की बात करें तो 400-500-400-600 इस टाइप से इस चैनल पर व्यूज आ रहा है, बिकॉज ये चैनल पूरी तरीके से डेड हो चुके। जब आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से व्यूज कम आने लगे तो आपका चैनल डेड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपके चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर या फिर 2,000 सब्सक्राइबर है, बट वहीं पर आपके चैनल पर जो व्यूज आ रहा है वो बस 100 और 200 से ज्यादा व्यूज आ ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में आपका यूट्यूब चैनल पूरी तरीके से डेड हो चुका है। और आज की इस वीडियो में जो गलतियां मैं बताऊंगा उन गलतियों को अगर आप लोग करते हो तो जिस प्रकार से मैंने ये दो चैनल दिखाए जो कि डेड हो चुके हैं आज के डेट पर, इसी प्रकार से आपका आने वाले टाइम पर भी चैनल डेड हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज आप लगे रहोगे कि मेरा चैनल ग्रो हो जाए, वायरल हो जाए किसी न किसी तरीके से, लेकिन आप अपने चैनल को डेड कर बैठोगे। तो यहाँ पर सबसे पहली गलती मैं बताता हूँ जो कि इन दोनों लोगों ने भी की है और आप लोग भी बहुत सारे लोग करते होंगे। दोस्तों मान लीजिए आपका टेक का चैनल है, किसी भी कैटेगरी का चैनल है, लेकिन आप लोग गलती से करते हो क्या, आप अपने वीडियो को वायरल करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए आप दूसरे कैटेगरी का दूसरा कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड कर देते हो और गलती से अगर वो वीडियो आपके चैनल पर वायरल हो गया, उस पर अच्छा खासा व्यूज आ गया, तो उससे फिर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए जहां आपके 500 सब्सक्राइबर थे लेकिन वो वीडियो वायरल हो चुका तो आपके चैनल पर हो गए 2,000 सब्सक्राइबर, 5,000 सब्सक्राइबर, लेकिन फिर से आपने अपने चैनल की जो आपके चैनल की कैटेगरी है उस टाइप के आपने वीडियो डालना फिर से शुरू कर दिया, केवल एक वीडियो आपने दूसरे कैटेगरी का दूसरे चैनल का डाला, तो वहां से आपके चैनल पर सब्सक्राइबर तो हो जाएगा बट वो ऑडियंस, वो सब्सक्राइबर आपके पूरे तरीके से डेड रहेंगे, वो एकदम बेकार रहेंगे, बिकॉज आप जो नेक्स्ट वीडियो डालोगे अपने कैटेगरी का अपना कंटेंट, उस कंटेंट को वो लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि वो भाई दूसरी ऑडियंस, उनको वो चीज पसंद ही नहीं है। तो इस कंडीशन में फिर आपका पूरा चैनल डेड हो जाता है, आपके जो 10-20 व्यूज भी जो रियल आ रहे थे वो भी आना बंद हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ भी दिखा देता हूँ। इस चैनल पर मैं आ चुका हूँ, 50,000 सब्सक्राइबर हैं, रिसेंट की वीडियो पर 400-500-600 व्यूज आता है, बट पॉपुलर वीडियो देखते हैं तो पॉपुलर वीडियो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो पर जो व्यूज है वो भाई 4.2 लाख, दूसरी वीडियो जिसपे 3.7 लाख व्यूज है। यानी दोस्तों इनके चैनल पर वीडियोज तो वायरल हुई है बट गलत वीडियो वायरल हो गए, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए इनका टेक कैटेगरी चैनल है यूट्यूब टिप्स का, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो रेस टाइप में, सुबह दौड़ते हो ये वीडियो जरूर देखो, 1600 मीटर कैसे नापे, इस टाइप के गलत वीडियो वायरल हो गए। दूसरी वीडियो लॉटरी रिजल्ट कैसे देखे, तो इस टाइप से जब आपके चैनल पर गलत वीडियो वायरल हो जाते हैं तो फिर आपका आने वाले टाइम पे चैनल डेड हो जाएगा। अभी मैं आपको दूसरा चैनल दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं रिसेंट के वीडियो पर 200-300-500 व्यूज आता है, बट पॉपुलर वीडियो चेक करते हैं तो पॉपुलर वीडियो पर 2.1 लाख व्यूज है, और इसी वीडियो से इनके चैनल पर सब्सक्राइबर आया, बट ये वीडियो इनके कॉन्टेंट के इनके कैटेगरी से अलग है। ये कॉन्टेंट देखे वाईफाई कैसे लगाए, कितना पैसा लगेगा, बट ये यूट्यूब टिप्स का चैनल है तो यहाँ पर गलत वीडियो वायरल हो गई, जिसके कारण से आज के डेट पर चैनल डेड हो गया। इस कंडीशन में होता क्या है दोस्तों, जब आप अपने चैनल पर कोई भी दूसरी वीडियो अपलोड कर दो तो वो वीडियो वायरल हो जाती है, इसके बाद वो सब्सक्राइबर वो ऑडियंस आपके चैनल पर हो जाती है, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आप अपने चैनल पर अपलोड करोगे वो आपके कैटेगरी की होगी, बट वो वीडियो उन लोगों के पास यूट्यूब भेजेगा लेकिन वो लोग क्लिक ही नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, क्योंकि उनको उस चीज से मतलब ही नहीं, वो उस वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ी ना सब्सक्राइब किया, उनको तो अपना दूसरा कॉन्टेंट चाहिए। तो अगर ये गलती आप लोग करते हो तो आपका चैनल डेड हो जाएगा और आप
आप में से बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं अपने वीडियोस को वायरल करने के लिए, चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। देख रहे हैं इस प्रकार का टॉपिक सब कोई डाल रहा है, वायरल हो रहा, तो वही टॉपिक अपने में भी डाल दिया। बट आपको नहीं पता कि वो गलती आपके चैनल पर आने वाले टाइम पे आपके चैनल को डेड कर सकती है। आप जिस तरीके से अपने चैनल पर अपना कॉन्टेंट अपलोड कर रहे हैं, उसी प्रकार आप अपने चैनल पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए। आपके कैटेगरी का अगर कोई भी वीडियो वायरल होता है आपका स्वयं का कॉन्टेंट, तो उससे आपका चैनल बहुत ही फास्ट ग्रो होगा। बट ये गलतियां आपके चैनल पर चाहे 50,000 सब्सक्राइबर हो, चाहे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो, चाहे 10,00,000 सब्सक्राइबर हो, बट आपके चैनल को पूरी तरीके से डेड कर देती हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोग ये गलतियां ना करें। कहीं ग्रो होने के चक्कर में अगर आप लोगों ने ये गलतियां कर दी तो आपका चैनल वहीं पर ठप हो जाएगा, आपका चैनल पूरी तरीके से डेड हो जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग 6-6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, 8-8 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपके चैनल पर व्यूज रुक जाता है। तो अब दोस्तों आपको करना क्या, अगर आपकी कोई भी वीडियो ऐसी वायरल हुई है जो कि दूसरे कंटेंट के आपके चैनल को डेड कर रही है, आपके कैटेगरी से अलग है, तो उस वीडियो को सबसे पहले डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उस वीडियो पर अब जो भी सब्सक्राइबर आएंगे वो आपके चैनल को पूरी तरीके से डेड करते जाएंगे। और आपको दोबारा से नई शुरुआत करना है, अपना ही कॉन्टेंट अपलोड करना है और डेली मेहनत करते जाना है। ये नहीं देखना कि व्यूज नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डेली वीडियो अपलोड करते जाइए। फिर जब आपके कॉन्टेंट का आपका वीडियो कोई वायरल होगा, उससे जो सब्सक्राइबर आएगा, फिर आपके चैनल पर व्यूज आने लगेगा। और आपको अपने चैनल पर हमेशा लाइव आते रहना, ताकि जब लाइव आप अपने चैनल पर आओगे तो आपकी जो ऑडियंस आपको पसंद करती, रेगुलर फॉलो करते, वही आपके चैनल से जुड़ेगी, तो उससे यूट्यूब आपकी वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुंचाएगा, जिसके कारण से आपके चैनल पर व्यूज इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग ये गलतियां मत करें जो कि मैंने आपको आज किस वीडियो में बताया। और अगर आप लोगों का चैनल डेड हो गया, आज की डेट पर व्यूज नहीं आ रहा है, तो आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे अच्छे कॉन्टेंट के साथ एक दिन में एक वीडियो, एक दिन में दो वीडियो अपलोड करिए, मेहनत करिए और रेगुलर मेहनत करिए। ये मत देखिए व्यूज नहीं आ रहा तो 10 दिन के लिए वीडियो डाले ही नहीं। अगर जिस दिन आप लोग रेगुलर मेहनत करते रहोगे कंटिन्यू, तो आपका वो चैनल भी जल्द से ग्रो हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में हम सबको जो मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये गलती आप लोग अगर किए अपने चैनल पर, तो उस वीडियो को जाकर तुरंत डिलीट कर दो और आने वाले टाइम पे आप कभी भी ये गलतियां मत करना। तो अगर ये वीडियो से आपको कुछ बहुत सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज अपना छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।